ऐसे भाजी कुछ है नहीं, बस अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ। एंड पता नहीं लगा कितनी जल्दी 2 साल निकल गए हैं। एंड बस वही ऑन द फील्ड एंजॉय कर रहा हूँ। ऑन द फील्ड भी कोशिश करता हूँ कितना एंजॉय कर सकता हूँ और प्रेजेंट को कितना प्रेजेंट में रह सकता हूँ, चाहे हाईज आए लोज आए करियर में, बस उस चीज़ को एंजॉय करूँ एंड सीखता रहूँ चीज़ों से। तो वही फोकस है मेरा, वही जैसे मैंने आपको बताया कि सर जहाँ पे भी मौका मिले, जहाँ पे भी जो कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी वेन्यू हो, ये कोशिश रहती है कि अपना बेस्ट दूँ एंड टीम को मैच जिताऊँ। डिफरेंस यही है भाजी कि जब इतने ओवर डाल के आते हैं आपको 4 ओवर काफ़ी ईजी लगते हैं कि बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया सब, तो यही है। बाकी मज़ा आता है काफ़ी, क्योंकि पिछले मैच से पहले भी यही बात की मैंने कि एज अ बॉलर काफ़ी मज़ा आता है कि जितनी जल्दी आप अडेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो कंडीशंस हो, सिचुएशन हो, ग्राउंड डायमेंशंस हो या फॉर्मेट हो, तो काफ़ी मज़ा आता है। बंदा अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करता है, चेक करता है कि कैसे अलग अलग तरीके से विकेट ले सकते हैं एंड कैसे प्रेशर सिचुएशन में मैं क्या अपने नई चीज़ें लेके आ सकता हूँ। तो अलग अलग फॉर्मेट में वो बंदा सीखता है। अब लाल बॉल खेलते हैं आपके पास पेशेंस आता है, यहाँ पे आपको इतना पेशेंस नहीं रखना है, आपको एक मूव करना पड़ता है कि बैट्समैन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तो यही है बस कि कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकता हूँ एंड अच्छे रिजल्ट ला सकता हूँ टीम के। ऐसा कुछ है नहीं भाजी कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत शानदार है, तो इवन कोचिंग स्टाफ सब ऐसे ही हैं कि जैसे अभी मोरने से भी बात हो रही थी उस दिन, तो उसको मैंने ऐसी मजाक में बोला कि यू आर ओल्ड एंड ऐसे ऐसे, तो बोला कि फॉर एवर यंग हूँ मैं भी तुम्हारी एज का ही हूँ सबकी का। तो यही हंसी मजाक चलता रहता है एंड उसी में हम एक दूसरे से कितना सीख सकते हैं, चाहे वो कोचिंग स्टाफ में प्लेयर्स या फिर वो प्लेयर्स हों। तो कोशिश यही है कि एज अ यूनिट एज अ टीम कितना हम ग्रो कर सकते हैं और कितना एक दूसरे से सीख सकते हैं, तो वही फोकस है अभी। अभी भाजी 2 ही दिन हुए हैं मेरे को नए बॉलिंग कोच के साथ, तो अभी इतनी बात हुई नहीं है, लेकिन अभी वही है, शुरुआत हुई है, अभी दोस्ती बननी शुरू हुई है, धीरे धीरे सीक्रेट्स खुलेंगे तो पता लगेगा कैसे हैं एंड देखते हैं फ्यूचर में काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन यही है, चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करते हैं काफ़ी एंड वही जो मैच से पहले प्लानिंग होगी उनके बैट्समैन के हिसाब से या विकेट के हिसाब से, तो वो उस दिन पे कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं हम विकेट के हिसाब से। अगर स्विंग हो रहा है तो उसको यूज़ किया जाए, अगर स्लोर साइड पर पिच तो उसे यूज़ किया जाए। तो कोशिश यही रहती है कि आप न्यूट्रल माइंडसेट से आते हैं मैच खेलने।